हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, फिट होंगे। मेरा नाम कौटिल्य और आज हम सीखेंगे कि स्टैंडिंग चक्रासन को कैसे करना है। लेकिन स्टैंडिंग चक्रासन को करने से पहले आपको आना चाहिए नॉर्मल चक्रासन, जो कि हम करते हैं लेटकर फ्लोर पर। अगर आपको वो नहीं आता तो मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर एक छोटा सा आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके देख लें। मैंने बता रखा है कैसे करेंगे चक्रासन, क्या होगी उसकी वार्म अप। जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको आना है ये वीडियो पे। ज्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट करके बताना आपको मेरा स्टाइल कैसा लगा। तो 5 स्टेप में हम कर देंगे स्टैंडिंग चक्रासन को खत्म। पहला स्टेप जो हमारा होगा, हमारे जो पैरों की प्लेसिंग होगी वो हमारे शोल्डर है उससे थोड़ी बाहर होगी। उसके बाद अपने हाथ को सपोर्ट के लिए थाइस पे रख सकते हैं या बैक पे रख सकते हैं। नेक को पीछे टक करना है और बेंडिंग लेनी है यहां से। बेंडिंग तब तक लेनी है, तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको आपकी पीछे की जमीन ना दिखने लग जाए। जमीन दिखने से क्या होगा कि आपको डर खत्म हो जाएगा कि हमारा सर जमीन पे ना लग जाए, सबको डर होता है, वो खत्म हो जाएगा आपका। और दूसरी चीज, जब आप इतना कर लेंगे तो समझ लें आपकी 1/4 बेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आपको आपके घर की दीवारें काम आने वाली हैं, तो कोई भी एक दीवार का कोना ले लेना। तो हमें क्या करना है, हमें ना 1 arm distance लेना है। अब 1 arm distance जैसे हम स्कूल असेंबली वगैरह में नहीं लेते बच्चों के साथ, ऐसे 1 arm distance में तो ऐसे करके ले लेता हूँ, आप भी ऐसे करके ले लेना। ऐसे ले लिया, घूम जाना है। अब हम दीवार की सपोर्ट से हम नीचे जाएंगे। देखना कैसे करना है, गर्दन को टक करना है, नीचे जाना है और पैरों को अपने लोअर एब्डोमेन को आगे पुश करना है, आगे पुश करना है ऐसे दीवार पे हाथ, बस यहां पे होल्ड करना है ऊपर। अब हमारा जो स्टेप 3 है उसके अंदर हमें क्या करना है, सेम ऐसी नेक को टक करना है। अब हम ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरा नीचे तक जाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको, जो आपका लोअर एब्डोमेन है उसको आगे पुश करना है और फिर हाथों की सपोर्ट से नीचे तक उतर जाना है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइक दिस, धीरे धीरे नीचे। आप गिरोगे नहीं, टेंशन मत लेना। और नीचे आ गए। अब नीचे जब आ गए ना, अपने लोअर एब्डोमेन को आगे, जैसे मैंने बताया, आगे पुश करना है ताकि आपको ऊपर उठने में आसानी हो। अब कैसे ऊपर उठेंगे, 2, 3 जो हाथों के जो स्टेप्स है ना वो आप थोड़े दूर दूर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पास पास नहीं। अब जो हमारा स्टेप 4 है, अब हम दीवार को छोड़ने वाले हैं अपने, तो दीवार से थोड़ा सा दूर आ जाएंगे। अब हम स्टेप 1, 2, और 3 को कंबाइन करने वाले हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो लोअर एब्डोमेन को आगे पुश करना, वो अब काम आएगा, क्योंकि अब हम जब दीवार छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी पीछे नहीं गिरेगी, आगे पुश करेगी, तो हमें थोड़ा सेफ्टी रहेगी, दिमाग में हमारी सेफ्टी रहेगी थोड़ी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक पिल्लो वगैरह भी आप रख सकते हो, ठीक है, अपने पीछे प्रिकॉशन के लिए। तो 1 नीचे 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 नीचे, 2 and 3 धीरे से आगे। तो अब नीचे तो चलेगा भाई, ऊपर भी आना है कि नहीं, आना है ना, अभी बताता हूं। तो यही है हमारा स्टेप 5। तो हमें क्या करना है, हम जब ऐसे नीचे होंगे, हमारा जो फेस ऐसे टक होगा ना, तो हमें अपने फेस को अपने हिप्स की तरफ फेंकना है, ऐसे हिप्स की तरफ अपने फेस को ले जाना है, चेस्ट को पैरों की तरफ, हिप्स की तरफ लेके जाएंगे। तो आपका क्या होगा, जब आपके पैरों की तरफ आपका एकदम वेट ट्रांसफर होगा ना, आपको दिखेगा आपकी ऊपर की बॉडी उठ जाएगी और आपको तभी उठ जाना है। तो ये समझ लो जैसे आपके पैर है, ये आपका फेस है, तो आपको ऐसे वेट ट्रांसफर करना है, ऐसे दिखाता हूँ कैसे होगा। अब देखना, ये ऐसे जाऊंगा मैं, ठीक है, लाइक दिस। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट करे बिना मत जाना। और
अगर आप मेरी वीडियो देखते हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है यार, तो क्या यार कर दो ना सब्सक्राइब, लाल कलर का बटन होगा उसको दबा दो और उसके साइड में एक छोटी सी बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।